दोस्तों वीडियो में बात करेंगे सोलर एनर्जी शेयर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है कि भाई सोलर एनर्जी एसम से बाहर होने वाला है। तो अभी ये टाइम दोस्तों बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है, कंपनी कल शाम को एसम से बाहर हो चुकी है। बट मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई सर्किट लिमिट का क्या हुआ, क्या सर्किट लिमिट बढ़ी है या सर्किट लिमिट वही है यहाँ पे। तो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या भाई, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 7-8 महीने से जो सोलर एनर्जी है इस समय होने की वजह से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, इस टू भाग ही नहीं पा रहा है। बट अब ये सब से निकल चुका है। अगर सर्किट लिमिट में कोई चेंजेस आता है तो भाई मंडे को यहाँ पे आपको पता चलेगा, मंडे को पता चलेगा, एंड अभी आपको बताऊंगा मैं। एंड दूसरी चीज ये कि दोस्तों मंडे को क्यू फर्स्ट के रिजल्ट है, अगर बेटर आते हैं तो फिर आपको पता है क्या हो सकता है। एंड उसके अगले ही दिन यहाँ पे बजट भी दिखेगा, तो बजट में भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट होती है। एंड उसमें बताया जाता है कि इसमें इतनी विंड एनर्जी की क्षमता इंक्लूड रहेगी, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, वहां भी बड़ा धमाका होगा। तो लगातार बैक टू बैक दो बड़े इवेंट है, एंड उन इवेंट्स में क्या हो सकता है, क्या 70-80 रुपए का टारगेट दिख सकता है। क्योंकि हमें पता है कि सोलर एनर्जी जब ए समय नहीं था तो भाई कंटिन्यू स्टॉक भागा है, स्टॉक कम से कम 45 रुपए के स्टॉक ने हाई क्रिएट किए थे। उसके बाद ए समय आया, उसके बाद भी एफआई की बाइंग की वजह से हमें स्टॉक में बैक टू बैक यहाँ पे जो तेजी वो नजर आई। एंड दोस्तों कल रिजल्ट है, कल नहीं परसों मंडे को रिजल्ट है, तो जो यहाँ पे क्यों फर्स्ट के न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी देखेंगे, क्या वो आ चुके हैं या कंपनी ने अभी तक वो अपडेट नहीं किए। तो सारी चीजें वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। एंड चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसा कि आप देखोगे पिछले 1 मंथ में कोई भी बड़ी रैली नहीं है, ओनली 4-7% स्टॉक पॉजिटिव है। एंड पिछले 6 मंथ की बात करूं मैं तो जो रिटर्न बनना चाहिए था वो नहीं बना, एक लंबा समय स्टॉक हमें कंसोलिडेट में देखने को मिला है। बट अगर किसी की पिछले 6 मंथ की मैं बात करूँ कि भाई ये चलो 6 मंथ में कुछ नहीं है, बट किसी की 6 मंथ में देखोगे तो लगभग 2 गुना पैसा ये खाता हुआ नजर आया, मतलब 200% तक की रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले। अब एक बार एनएससी का डाटा यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि सर्किट फिल्टर में क्या चेंजेस हुआ है। एसएम से तो बाहर निकल चुका है, सारी जो वेबसाइट वगैरह है वहाँ पे ये चीज मतलब इंक्लूड होते हुए नजर आ चुकी है। जो पहले एसएम फर्स्ट में दिखाता था अब वो एसएम से कंटिन्यू बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जो पहले आपको यहाँ पे एसएम का सिंबल देखने को मिलता था अब वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट एसएम से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक को रखा गया था। तो अभी के टाइम दोस्तों जैसे एसएम से बाहर हुआ सर्किट लिमिट में चेंजेस आना चाहिए, या तो सर्किट लिमिट स्टॉक की 10% की होगी या डायरेक्ट 20% की होगी, इन दो में से आपको देखने को मिलेगा। एंड ये हमें कब पता चलेगा, मंडे को पता चलेगा। एंड इससे पहले अभी के टाइम डाटा बता दूं मैं तो डाटा बहुत तगड़ा, एक बार दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न का चेक कर लेते हैं क्या कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। देखो तो जून की शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जो महत्वपूर्ण शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलेगा कि एफआईडीआई ने पिछले 3 महीने में क्या किया, जब से ये कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड ने तो शेयर खरीदे हैं बट एफआई का भी डाटा चेक करना जरूरी है, क्या एफआई ने बिकवाली करी या एफआई ने खरीदारी करी। तो जैसे कि आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पता चल रहा है जो कि लगभग जून का भी आ चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जून का आ चुका है। एंड ये पिछले क्वार्टर मार्च का है, ये पिछले वो इसके बाद जो क्वार्टर आपका 3 था दिसंबर का वो उसका है। तो मार्च के क्वार्टर सॉरी जो जून के क्वार्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न वो आ चुके हैं, तो एक बार वो भी हम देख लेते हैं कि एफआईडीआई का आंकड़ा क्या रहा है। तो यहाँ का आप देखेंगे सबसे पहले दोस्तों आपके प्रमोटर्स का देखेगा, तो प्रमोटर्स की जो क्वांटिटी है वो सेम है कि टाइम पिछले 3-4 क्वार्टर से आप देख सकते हो, कुछ कोई भी चेंजेस नहीं किया। बट भाई जहाँ पे हमें होना चाहिए था जिस चीज को मैं देख कर खुश हूँ ना वो है एफआईडीआई का, भाई कमाल कर दिया दोनों ने। आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं, एफआई भाई पिछले 4-5 क्वार्टर से ऑलमोस्ट यहाँ पे 7%, 8% यहाँ पे देख लो कंटिन्यू एफआई भाई खरीद रहा है। पता नहीं है क्या चाहता है जिस स्टॉक को, एफआई को लग रहा है कि ये गोल्ड है। एंड आप देखो गोल्ड की तरह इसको बाय करा, पिछले क्वार्टर में भाई एफआई की 19.6% होल्डिंग थी, इस क्वार्टर में बढ़ के 21.5 हो गई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5% के आसपास इन्होंने 1.5-2% के आसपास इन्होंने फिर से खरीद लिया है, मतलब 20-21% वाल एफआई ने फिर से खरीद लिया है पिछले 3 महीने के अंदर। ये रही किसके बाद एफ आई की, अब बात करता हूँ मैं डीआई की। देखो डीआई का अगर आंकड़ा देखोगे 0.6.3 था पर पिछले क्वार्टर में 6.3 वो बढ़ के 9.22 हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों इन्होंने भी 3% हिस्सेदारी खरीदी, मतलब रिटेल से कितना परसेंट माल गया, 5% माल किसने खरीदा, एफ आई डी आई। अब देख लो आप इस सिस्टम को गलत बोल रहे हो बट इस सिस्टम में बड़े बड़े तो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको वैल्यू दिख रही है। अगर अब किस किस प्राइस में खरीदा होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ किस प्राइस में हुई होगी खरीदारी, ये खरीदारी हुई है भाई ऑलमोस्ट 40+ पे, 40 एंड 45+ के प्राइस की खरीदारी हमें होती हुई नजर आ रही है। एंड कंटिन्यू अभी भी आप देखोगे जो डिलीवरी है ना, डेली बेसिस आपको कम से कम 70-60
के बीच में नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि माल खरीदा जा रहा है। एंड मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा था, एंड यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि आने वाले 3-4 महीने में इस स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये FIDI है भाई। जब ये माल खरीदते हैं तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ अपने आप बन जाती है, एंड वो बन भी चुकी है। अब यहाँ का आपको दिमाग लगाओ भाई, जो आपकी रिटेल की पब्लिक की होल्डिंग पहले कितनी थी, ऑलमोस्ट 60%, 60-61%, उससे कितना खरीद लिया गया, ऑलमोस्ट 56%। तो यहाँ पे कम से कम 5% रिटेल से माल खरीद लिया गया है। अब धीरे धीरे कम किया जाए, आप देख लो पहले 72% था, 72% से धीरे धीरे 56% पे लेके आ चुके हैं। आने वाले क्वार्टर में भी आप देख लेना कितना यहाँ पे आपसे माल खरीदा जाएगा। टोटली आपको पैनिक किया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी के टाइम गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो डाटा आपको चाहिए था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। वही सर्किट लिमिट की बात करूँ मैं, तो सर्किट लिमिट जहाँ तक मेरे को लगता है 10 फीसदी की हो सकती है, एंड अगर 10 फीसदी की होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सर्किट लिमिट बढ़ सकती है यहाँ पे 99.99, मतलब यहाँ पे 99.99 चांस है कि यहाँ पे सर्किट लिमिट में कुछ बदलाव होगा, क्योंकि पहले भी स्टॉक की सर्किट लिमिट हमें 10% के आसपास देखने को मिलती थी। तो ये रहा डाटा, डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैं तो इस डाटा को देख के चीज कहूंगा कि देखो गलती वही करेगा जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, एंड यहाँ पे भाई गलती करना बिल्कुल भी नहीं अलाउ नहीं है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ दी है स्टॉक ने इस क्वार्टर में, कम से कम रिटेल से एक ही क्वार्टर में 3 महीने में 5% माल खरीदना पैनिक करके, जहाँ पे आपको बिल्कुल दिख रहा था कि एक बार 45 फिर 38 फिर 45 फिर 38, तो वहाँ पे ये बड़ा गेम हुआ है, समझो चीजों को। तो अभी के टाइम गलती मत करो, एंड मेरा यही मेरा टारगेट है वो क्वार्टर वन के बाद में, एंड यहाँ पे बजट बाद तक के ऑर्डर, यहाँ पे मेरे टारगेट 70+ तक के रहने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वार्टर टू तक के रह सकते हैं, क्वार्टर टू तो 70+ हो सकता है। तो आप करंटली वेट कर सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी छोड़ दो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आप